बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग स्टेशन परिसर में स्थित कैंटीन में लगी है। आग की खबर पाकर मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 4:30 बजे ग्वालियर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित कैंटीन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कैंटीन में मौजूद कर्मचारी भाग गए। देखते ही गीता एक्सप्रेस गोरखपुर की दुकान प्रतीक्षालय आग की चपेट में आ गए। रेलवे स्टेशन के ऊपर धुएं का गुबार देखकर अफरा तफरी मच गई। वेटिंग रूम में मौजूद यात्री डरकर स्टेशन से बाहर आ गए। मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंच गई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारण रेलवे स्टेशन को लाखों का नुकसान हुआ है। कैंटीन में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इसके अलावा रेलवे काउंटर पर रखे कई टिकट रोल भी जल गए। फिलहाल आग के लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए हैं।